गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है हमारा सहकर्मी ट्रस्ट पोषण के लाभ व सीमाएं। लाभ व सीमाएं अर्थात हम उनकी लिमिटेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सहकर्मी ट्रस्ट पोषण का अर्थ क्या होता है, साथ में हमने उनके इंपॉर्टेंस से जानी थी कि सहकर्मी ट्रस्ट पोषण का क्या महत्व होता है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे लाभ। हमने देखा था कि सहकर्मी ट्रस्ट पोषण का कितना लाभ होता है। सहकर्मी ट्रस्ट पोषण के बारे में हम देखते हैं कि छात्र जब लेखन का कार्य करते हैं, लिखने का कार्य करते हैं, तो जब शिक्षकों के द्वारा उनके ट्रस्ट पोषण दिया जाता है कि हैंडराइटिंग कितनी अच्छी है, या हम कहें संप्रेषण की वो ओरल अपना प्रेजेंटेशन देते हैं, तो इसमें शिक्षक बताते हैं कि किस तरीके का उनका प्रेजेंटेशन है। यही हम अगर हमारे सहकर्मी की बात करें तो सहकर्मी के साथ अगर हम मिलकर हमारा कोई प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं या हम अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो क्या होता है कि सहयोग उस मुद्दे पर जब हम कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें सहकर्मी हमें हमारी कमियां भी बताते हैं, साथ में हमें हमारे किस तरीके से कार्य आगे बढ़ाना है, क्योंकि इसका नाम हमने जाना था एक सहयोगात्मक अधिगम। जब हम प्रोजेक्ट कार्य कर रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन का कार्य कर रहे हैं क्लास में, तो हम क्या कर रहे हैं, मिलकर साथ साथ उस कार्य को कर रहे हैं। तो जब मिलकर हम उस कार्य को करते हैं तो साथ में जो हमारे सहयोग देने वाले हमारे सहकर्मी होते हैं, वो सहकर्मी हमें हमारे किए हुए कार्यों पर वो टिप्पणियां प्रदान करते हैं। वो टिप्पणी कैसी होती है, हमारी नेगेटिव भी होती है और साथ में पॉजिटिव भी होती है। उन्हीं के द्वारा हमें हमारी कमियों के बारे में पता चलता है और साथ में हम हमारे उस अधिगम उस शिक्षण में किस तरीके से हम और सुधार कर सकते हैं इसके बारे में भी हमें पता चलता है। ये कहते हैं कि ये जो हमारा अधिगम होता है, ये हमारा प्रश्न पोषण जो हमारे विषय एवं उनके क्षेत्रों में जो हम कार्य करते हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए और कहे कि उसकी गुणवत्ता में कमी ना आए, इसीलिए हम ये फीडबैक का प्रयोग करते हैं। एक उच्च गुणवत्ता लाने के लिए, उस कार्य को अच्छे से करने के लिए हम क्या करते हैं, ये प्रश्न पोषण का कार्य करते हैं। क्योंकि प्रश्न पोषण के द्वारा जब तक हमें हमारा प्रोत्साहन नहीं मिलता या हमें हमारी कमियों के बारे में पता नहीं चलता, तब तक हम उस कार्य को करने के लिए प्रेरित नहीं करते। क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने छात्र आप लोगों को बताया था कि हमारा जो प्रश्न पोषण होता है उसका अहम जो लाभ होता है वो क्या होता है, हमारे शिक्षण को और बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, साथ में हमें उस शिक्षण में सुधार करने के लिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं, जब तक हमें उसके बारे में पता नहीं चलता है, या कहें कि अगर हमें यहाँ पर हमारे फीडबैक हमें पॉजिटिव मिलता है, तो हमारे अंदर एक एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संचार हमारा ये फीडबैक करता है। इस ऊर्जा के संचार के माध्यम से हम उस कार्य को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो साथ में यहाँ पर जब हमारी सहकर्मी की बात आ रही है, तो सहकर्मी का तो हमारा अहम रोल होता है हमारे साथ कि हम उस कार्य को कैसे कर सकते हैं। साथ में मैंने बताया भी था आपको लास्ट वीडियो में कि जिस विद्यार्थी में स्व आकलन की क्षमता होती है, उसके द्वारा हमारे जो उनके साथी होते हैं, उन साथी का वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, उनकी उनके कार्यों की समीक्षा कर सकते हैं। इसके द्वारा क्या होता है, उस समीक्षा के द्वारा उस कार्य को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि उनके अधिगम प्रबंधन में जो सक्रिय की भूमिका का निर्वहन करते हैं कौन, उनके साथी, उनके समर्थ, उनके सहकर्मी जो हमारा प्रश्न पोषण देते हैं, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए किस तरीके से उपयोगी होता है। क्योंकि शिक्षक के भी तो साथ में सहकर्मी होते हैं, वो सहकर्मी उन्हें उनके शिक्षण के बारे में या जो वो कार्य कर रहे हैं उस कार्य का वो फीडबैक प्रदान करते हैं। तो छात्र और शिक्षक दोनों के लिए ये फीडबैक किस तरीके से उपयोगी है, इसके क्या लाभ है, साथ में लाभ है तो लिमिटेशन भी होगी, उनकी कौन कौन सी लिमिटेशन है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाभ, यानी कि इससे हमें कौन कौन से लाभ
होते हैं। सबसे पहला हम नाम की बात करें तो छात्रों में जब फीडबैक प्राप्त होता है, मैंने बोला भी है कि फीडबैक से हम क्या करते हैं, हमारी ऊर्जा का संचार होता है जिसके माध्यम से हम कार्य को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, अर्थात हमारी आत्मविश्वास जागृत होता है। आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है, या हम कहें आत्मविश्वास जागृत होता है, ठीक है, यानी कि हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हम उस कार्य को और अच्छा कर सकते हैं, यानी कि आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है। किससे? हमारे सहकर्मी प्रश्न पोषण के माध्यम से। दूसरा है जो हमारी त्रुटियां होती हैं, वो त्रुटियां बार बार ना दोहराएं, इसके लिए भी हमें ये फीडबैक दिया जाता है, अर्थात त्रुटियों की जो आवृत्ति को कम कर देता है, त्रुटियों की आवृत्ति को कम कर देता है, या हम कह सकते हैं कि हम वो गलतियां करना, यानी गलतियों का दोहरान हम ना करें, इसलिए हमें फीडबैक दिया जाता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा जो फीडबैक दोनों तरीके से हमें प्रदान होता है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। नेगेटिव में हमें हमारी कमियों की पता चलती है, कमी क्या होती है, हमारी गलतियां, अब हम उन गलतियों को दोबारा ना करें, या कम से कम हम वो गलतियों का दोबारा दोहरान हो, इसलिए भी हमें फीडबैक दी जाती है, यानी कि हम कम से कम उसका दोहरान करें गलतियों का। साथ में है कि भाषा अधिगम की जो रणनीति हम बनाते हैं, यानी कि प्रेजेंटेशन का ओरली, यानी कि भाषा अधिगम की रणनीति लागू करने के लिए छात्रों को प्रशिक्षित किया जाता है। भाषा जो जिस तरीके से वो अपने प्रेजेंटेशन, जब हम ओरल के द्वारा हमारा प्रेजेंटेशन देता है, यानी हम कहते हैं कि भाषा हमारी इतनी प्रभावशाली होनी चाहिए, लैंग्वेज, क्योंकि कहते हैं ना कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो हमारे संप्रेषण के लिए कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये हम सब जानते हैं कि संप्रेषण जो होता है वो एक भाषा के माध्यम से संप्रेषण को प्रभावी बना सकता है। तो यहाँ पर वही भाषा शिक्षण की अधिगम के लिए क्या करते हैं, रणनीति बनाते हैं। भाषा अधिगम के लिए प्रभावी रणनीति बनाना और उसे उसी प्रभावी तरीके से सुचारू रूप से उसको संचालित करना, क्योंकि कहते हैं ना हम एक बार जब हम कोई कार्य करते हैं, जब तक हमारी उसमें भाषा में स्पष्टता होनी चाहिए, किस तरीके से हमें बोलना है, उस अभिव्यक्ति के माध्यम से हम उस कार्य में एक जान फूंक सकते हैं। तो ये वही चीज है, क्योंकि भाषा तो हमारी लिखने में भी आती है, अगर हम लिखित कार्य करेंगे और वो भी हमारी भाषा अगर स्पष्ट और प्रभावी होगी तो हमारा जो कार्य है वो भी प्रभावी होगा। तो कहते हैं कि जब हम कोई कार्य करते हैं तो भाषा अधिगम की एक रणनीति बनानी चाहिए, और वो रणनीति हमारी इतनी प्रभावी होनी चाहिए जिससे कि हम जो संप्रेषण कार्य कर रहे हैं वो कार्य हमारा प्रभावी हो। और फीडबैक के लिए हम कहते हैं कि ये हमारा एक संप्रेषण ही तो होता है, ये संप्रेषण प्रक्रिया का अधिगम किस तरीके से करते हैं, ये संप्रेषण प्रक्रिया को किस तरीके से प्रभावी बनाते हैं, इसी के लिए हम ये प्रश्न पोषण प्रदान करते हैं। फिर आता है हमारा कि भाषा, यानी छात्र के सक्रिय रूप से उसमें संलग्न रहे तथा विषय वस्तु को समझें, यानी कि विषय वस्तु में संलग्न रहे, यानी कि जब तक, अरे संलग्न का मतलब उसमें मिले रहे, यानी कि किस तरीके से हमारे कमी और हमारी अच्छाई कौन बता सकता है, जो हमारे कार्य को अच्छी तरह से देख रहा हो, अगर उसमें संलग्नता नहीं होगी, उसमें वो शामिल नहीं होंगे, तो ना तो वो हमारी कमी बता सकते हैं और ना हमारी अच्छाई बता सकते हैं। तो कहते हैं कि विषय वस्तु में हमें कैसा रहना चाहिए, संलग्न रहना चाहिए, उसमें सक्रिय रहना चाहिए, जिससे कि संलग्न व सक्रिय रहे
जिससे विषय वस्तु को समझ सके, क्योंकि जब तक हम उसे पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, हम उसमें संलग्न सक्रिय नहीं रहेंगे, तो हम उस विषय वस्तु के बारे में नहीं जान सकेंगे। हमें उसे समझना है तो हमारे पूर्ण उसमें भागीदारी होनी चाहिए, उसमें सक्रिय होना चाहिए। अब आता है हमारा इसके बाद में कि छात्र को अपनी बात कहने और दूसरों की बात सुनने का अवसर भी प्रदान होता है। बात कहने व सुनने, यानी कि वो बात कहते भी है साथ में और सुनते भी है, सुनने का अवसर प्रदान होता है। यानी कि सुनेंगे तो कैसे, जब उसमें सक्रिय रहेंगे, उस विषय वस्तु में इंटरेस्ट लेंगे, उस विषय वस्तु के बारे में जानेंगे और सुनेंगे, तभी उसके बारे में कहेंगे अर्थात बोलेंगे। यानी कि जो कमी और जो अच्छाई है, जब तक हम उसके बारे में नहीं जानेंगे, उसको सुनेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम उस चीज को नहीं व्यक्त कर सकते। इसीलिए बात को कहने और सुनने दोनों के अवसर भी हमें इस सहकर्मी प्रश्नपोषण के माध्यम से प्राप्त होता है। साथ में जो छात्र को अपने साथियों का और बेहतर तरीके से समझाने का अवसर भी प्राप्त होता है। छात्र को अपने साथी को और अच्छे से समझाने का अवसर प्राप्त होता है। यानी कि कई बार हमने देखा है कि हमारी जो साथी हमारी बात कहते हैं उसे हम बुरा मान लेते हैं, यानी कि या हम कहें कि वो हमारे अंदर कमी निकालते हैं, और वहां उन्हें वो अवसर प्राप्त नहीं होते कि वो अपने साथी को अपनी पूरी बात कहकर समझाएं। लेकिन यहाँ जब हमें ये फीडबैक की क्षमता हमें दी जाती है, फीडबैक को हमें कहा जाता है कि फीडबैक का जब हम उपयोग करते हैं, तो एक साथी अपने दूसरे साथी को अपनी बात अच्छे से कहने का उसे अवसर मिल जाता है कि वो अपने साथी को समझा सके कि किस तरीके से आपके इस कार्य में कमी है। यानी कि हम जो अवसर ढूंढते हैं वो अवसर की प्राप्ति इस फीडबैक के माध्यम से हो जाती है, जिससे साथी अपने दूसरे साथी को उस शिक्षण के बारे में, उस अधिगम के बारे में इस फीडबैक के माध्यम से वो बताते हैं। साथ में उनके जो कार्य होता है, छात्र अपने कार्य में नवीनता लाने का प्रयास करते हैं तथा सृजनात्मकता का विकास होता है। क्या होता है इससे? सृजनात्मकता का विकास, क्रिएटिविटी आती है, सृजनात्मकता का विकास। यानी कि जो हम कमी निकालते हैं उसे और बेस्ट करवा सकते हैं, तो यहाँ क्रिएटिविटी आती है। यानी कि एक बच्चा अपने दूसरे साथी के लिए भी अच्छा सोचता है, वो कुछ नया करवाना चाहते हैं, नई तरीके से क्या करना चाहता है, तो नए नए जो परिवर्तन, नए जो तरीकों का, जिन अवसरों को हम बेहतर ढंग से, जो नवीनता हम लाने का प्रयास करते हैं, वो हमारी सृजनात्मक क्रिएटिविटी का इसके माध्यम से विकास होता है। अब आता है इसके माध्यम से जो हमारा फीडबैक होता है प्रश्न पोषण, वो तीव्र गति से द्योतात्मक मात्रा से प्राप्त की जाती है। यानी कि फीडबैक की प्रश्न पोषण की बहुत आयती, यानी कि बहुत ज्यादा जितने की उन्हें आवश्यकता होती है प्राप्ति होती है, जितनी उन्हें आवश्यकता होती है कि किस किस तरीके से वो अपने कमी अपने कार्य में अच्छा कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे साथ में इसकी लिमिटेशन, सीमाएं, कि हमारे इस फीडबैक की कौन कौन सी सीमाएं होती हैं, कौन कौन से इसमें थोड़े दोष पाए जाते हैं, जो कमियां होती हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ छात्र जो अपने मित्रों का प्रश्न पोषण करते हैं वो क्या कर जाते हैं, यहाँ पर पक्षपात कर जाते हैं। यानी कि एक छात्र
सिंपल तौर पर अगर हम देखें तो जब हम माइक्रो टीचिंग बीएड में करवाते हैं, जब साथी यानी कि हमारे जो माइक्रो टीचिंग छात्र अध्यापक करवाते हैं उन्हीं के साथी को जब हमें फीडबैक के लिए हम खड़ा करते हैं तो क्या कर जाते हैं, वो अपने मित्र के लिए अच्छा अच्छा बोलकर चले जाते हैं, अर्थात यहाँ क्या कर दिया उन्होंने, पक्षपात कर दिया। वहीं अगर हम दूसरे छात्र अध्यापक को खड़ा करते हैं तो वो उसके अंदर कमियां निकाल जाता है, यानी कि यहाँ इस प्रश्न पोषण से थोड़ा बहुत पक्षपात नजर आता है। जब एक मित्र दूसरे मित्र के लिए क्या कर जाते हैं, छात्र अपने मित्रों के लिए जब प्रश्न पोषण प्रदान करते हैं तो वो पक्षपात कर जाते हैं, जिससे जो प्राप्त प्रश्न पोषण होता है उस प्रश्न पोषण को हम विश्वसनीय और वैध नहीं मान सकते, यानी कि क्या बनी हो जाती है उसमें, विश्वसनीय और वैध की कमी। क्योंकि जब पक्षपात करेंगे तो किसी के लिए अच्छा अच्छा बोलेंगे और किसी के लिए बुरा बोलेंगे, यानी कि हम यहाँ प्रॉपर तरीके से विश्वास नहीं कर सकते कि जो फीडबैक दिया जा रहा है क्या वो फीडबैक सही है या नहीं। फिर आता है फर्स्ट आ गया कि एक छात्र दूसरे छात्र का क्या कर जाते हैं, पक्षपात कर जाते हैं। सेकंड आ गया हमारा कि इसमें विश्वसनीय और वैधता की कमी होती है। थर्ड आ जाता है कि छात्र अपने प्रश्न पोषण, अपने मित्रों को जब प्रश्न पोषण प्रदान करते हैं और पक्षपात करते हैं, इसमें मैंने बताया, और साथ में इसके लिए ये कहते हैं कि इसमें समय भी ज्यादा लगता है, समय जो समय दिया जाता है इसका समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है, समय अधिक लगता है। वो कैसे लगता है, कई बार ऐसा होता है कि जो फीडबैक एक छात्र दूसरे छात्र के लिए देते हैं तो वो जो आपस में इस चीज का कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है कि नहीं तुमने गलत बताया मैंने तो सही पढ़ाया, या कहे कि नहीं हमने तो सही पढ़ाया आपने गलत सुना। तो यहाँ कहते ना कि लिखित कार्य के लिए तो हमारे पास क्या होता है, एक तरीके से प्रूफ होता है, लेकिन जब हम ओरली प्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके पास हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। तो यहाँ पर उस कन्वर्सेशन के लिए जब दो छात्रों में, कई बार हम देखते हैं कि जब क्लास में एक दो गुट बन जाते हैं तो एक गुट कभी भी दूसरे गुट का अगर बच्चा प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वो उसके अंदर कमियां ही निकालता जाएगा, यानी कि उसकी अच्छाइयां नहीं बताएंगे। तो वहां स्थिति ऐसी आ जाती है कि दोनों पक्षों को संतुष्टता देने के लिए हमें उस कन्वर्सेशन को बढ़ाना पड़ जाता है, इससे कई बार समय बहुत ज्यादा लग जाता है, यानी कि संतुष्टि देने के लिए, संतुष्टि प्रदान करने के लिए हमें यहाँ पर समय अधिक लग जाता है। फिर आता है हमारा कि इस विधि के द्वारा जो प्रश्न पोषण प्रदान होता है उसका ध्यान क्या करते हैं हम, कि जो लेखन की प्रक्रिया होती है उससे ज्यादा उत्पादकता पर केंद्रित होती है। किस पर होती है ये, उत्पादकता पर, उत्पादकता पर केंद्रित होता है, यानी कि लिखा क्या है बोला क्या है उससे ज्यादा, क्योंकि इसमें हमने देखा था कि एक समीक्षा प्रदान करते हैं, तो यहाँ यानी कि जो कार्य किया है उसका निष्कर्ष क्या निकला है वो समीक्षा पर केंद्रित होते हैं, यानी कि पूरा कार्य किस पर केंद्रित होता है, समीक्षा पर। उसे हम एक लेखन कार्य में, यानी कि उसका जो रिकॉर्डेड होता है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, कहते ना कि उससे क्या उत्पाद हमने किया है, क्या उससे हमें निष्कर्ष मिला है उस पर वो केंद्रित होता है, यानी कि इन दोनों चीजों पर वो, जहाँ लेखन कार्य रिटर्न कार्य पर केंद्रित ना होकर उत्पादकता पर केंद्रित होता है। फिर आता है हमारा कि प्रशिक्षण के अभाव में कभी कभी जो हमें प्रश्न पोषण दिए जाते हैं वो प्रश्न पोषण कैसे हो जाते हैं, व्यर्थ हो जाता है, यानी कि प्रशिक्षण के अभाव से, प्रशिक्षण के अभाव से, अभाव से प्रदान किया गया, प्रदान किया गया प्रश्न पोषण व्यर्थ हो
किया और हम उसके उसी विषय के बारे में अगर हम फीडबैक दे रहे हैं तो फीडबैक कैसा होगा हमारा? बेकार, व्यर्थ रहेगा, क्योंकि जब तक स्वयं हमें उस चीज की जानकारी नहीं होगी, तभी तो मैंने इसका एग्जांपल दिया था स्व आकलन। जब तक हमें उस चीज के बारे में स्वयं के बारे में जानकारी नहीं होगी, स्वयं को उसकी जानकारी नहीं होगी, तब तक हम फीडबैक जो देंगे वो फीडबैक कैसा होगा हमारा? व्यर्थ होगा। तो इसमें वही है कि प्रशिक्षण के अभाव से दिया गया जो फीडबैक होता है वो फीडबैक कैसा होता है? व्यर्थ होता है। उस फीडबैक का कोई भी मतलब नहीं होता है। साथ में जो आपस की जो प्रतिस्पर्धा की भावना इसमें विकसित हो जाती है छात्रों में आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो जाती है क्योंकि वो क्या करने लग जाते हैं? एक दूसरे से होड़ करने लग जाते हैं। उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना आ जाती है एक दूसरे से अच्छा करने या उसके अंदर कमी निकालने की। तो इसके साथ साथ ये आज जो हमारा फीडबैक था इसमें हमने देखा है कि किस किस तरीके से इसके बारे में हमारे लाभ भी है और साथ में हानि भी है। क्योंकि प्रतिस्पर्धा की भावना के लिए हमने देखा था कि यहाँ पर जो पक्षपात होता है वो पक्षपात का कारण भी प्रतिस्पर्धा बन जाती है, क्योंकि वो आपस में क्या रखते हैं? एक छात्र दूसरे छात्र के लिए पक्षपात कर जाता है। तो इसीलिए एक जो उनका समूह बन जाता है वो एक दूसरों के लिए उसमें आपस में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत हो जाती है, वो एक दूसरे से होड़ करने लग जाते हैं। तो इन भावनाओं की भी इसमें इस भावनाएं जागृत हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि आज हमारी जो हमने सहकर्मी प्रश्न पोषण के हमने लाभ भी देखे हैं और साथ में उनके दोष भी देखे हैं, यानी कि लिमिटेशन भी, कि क्या क्या उनकी लिमिटेशन होती है। धन्यवाद।